सही है। चलो नेक्स्ट वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। ये देखो, ये सर्किट, एक सर्किट है उसमें एक आ मीटर लगा हुआ है और वोल्ट आ मीटर लगा हुआ है, और इस क्वेश्चन को सेल्फ ट्राई करो, वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्या होता है, एक सर्किट है जिसमें आ मीटर है, बैटरी 30 वोल्ट की है, रेजिस्टेंस 4 ओम है, कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द आ मीटर हैज ए क्वायर रेजिस्टेंस 480 ओम एंड शंट 20 ओम। समझना, ये एक रेजिस्टेंस है आ, या और यहाँ लगा आ मीटर, ठीक है, और आ मीटर के साथ हमने बैटरी लगाई प्लस माइनस 30 वोल्ट की बैटरी लगा दिए, और ये रेजिस्टेंस आ जाएगा 40.8 और ये आ मीटर। बस ये सारी डेटा दिए, लेकिन ये कहता है आ मीटर का जो क्वायल है उसकी रेजिस्टेंस है और संट भी है। संट क्या होता है, संट स्मॉल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, संट स्मॉल रेजिस्टेंस होता है। तो ये जो आ मीटर है उसका, इसके अंदर जो क्वायल है उसका भी रेजिस्टेंस है और संटेड भी है, ठीक है। तो इस सर्किट को मैं रीड्रा करूंगा, इस सर्किट को मैं, ये अपना रेजिस्टेंस था 40.8 बराबर है, और आ मीटर का रेजिस्टेंस अगर मैं काउंट करूं तो ये दिया हुआ है 480 ओम, और आ मीटर के साथ जो संट आया वो कैसे कनेक्ट होता भाई, ये आपको समझना पड़ेगा कि आ मीटर के साथ जो रेजिस्टेंस है संट वो कैसे कनेक्ट होगा। तो वो कनेक्ट होगा प्यारे बच्चों पैरेलल में, क्यों, क्योंकि आ मीटर का रेजिस्टेंस आइडियली जीरो होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि उसका रेजिस्टेंस मिनिमम से मिनिमम हो। तो इसके साथ जो रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा वो इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट होगा 20 ओम, तभी जाके इसका रेजिस्टेंस मिनिमम होगा। अब ये पूरा जो डॉट 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 है, ये पूरा आ मीटर है, ये पूरा आ मीटर है, ठीक है, और इसके साथ हमने पहले से ही बैटरी लगा रखे हैं प्यारे बच्चों, और वो है बैटरी आ जाएगा आपका 30 वोल्ट का प्लस माइनस 30 वोल्ट की बैटरी है, और ये सर्किट कंटेन है बैटरी या 30 वोल्ट रेजिस्टेंस, हाँ बस यही क्वेश्चन है। तो हम लोग को निकालना रीडिंग ऑफ आमीटर, आमीटर की रीडिंग सिंपल सी बात है यार, अगर आमीटर की रीडिंग है तो इस सर्किट में जो भी करंट फ्लो हो रही है प्यारे बच्चों वही तो आमीटर की रीडिंग है, इस सर्किट में करंट निकालना है वही तो आमीटर की रीडिंग है। तो ये जो आ मीटर का, ये दोनों यहाँ, इस ये जो टोटल रेजिस्टेंस है ये वाला, ये जो बॉक्स में बंद है, इसकी कितनी वैल्यू आ जाएगी पहले ये निकाल लेते हैं। चलो तो मेन करंट हम लोग निकाल रहे, तो इसमें इसकी जो रेजिस्टेंस आ जाएगी वो देखो, ये दोनों पैरेलल में है तो पैरेलल का डायरेक्ट 480 और मल्टीप्लाइड बाई 20 और डिवाइडेड बाई 480 और प्लस 20, तो 480 मल्टीप्लाइड बाई 20 और डिवाइडेड बाई 500, तो ये जीरो ने जीरो को ख़त्म कर दिया और यह आ जाएगा 19.2, तो 19.2 ओम, दैट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आमीटर इंक्लूडिंग संट, 19.2 ये टोटल रेजिस्टेंस है संट का, ठीक है, आमीटर का और संट का मिला के इतना रेजिस्टेंस आ गया। चलो तो अगर मुझे करंट निकालना इस सर्किट में तो सिंपल सी बात है यार, करंट की वैल्यू क्या होती है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, वोल्टेज कितना लग गया बोलो, तो वोल्टेज लग गया हम लोगों का 30 वोल्ट और रेजिस्टेंस, तो ये पूरा मिलके कितना हो गया प्यारे बच्चों 19.2 के साथ 14.8 सीरीज में आ जाएगा, तो 19.2 और प्लस 40.8 तो यह आ जाएगा 30 और डिवाइडेड बाई 40 और ये 60 आ गया, दैट इज 1/2, दैट इज 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर करेंट फ्लो हो रहा होगा इस सर्किट में, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गया होगा, 0.5 एम्पियर ये करेंट फ्लो हो रहा है। चलो नेक्स्ट ये देखो।